start with the name of Allah, who is the gracious and merciful. Assalamu alaikum, dear student. My name is Lara Mumtaz. I am your teacher of biology. आज हम 9th class का chapter number 2 पढ़ेंगे. Chapter number 2 का आज हमने topic पढ़ना है, example है malaria की. ठीक है, इस एग्जांपल जो मलेरिया है उसको हम ले रहे हैं एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व कर रहे हैं बाय बायोलॉजिकल मेथड. ठीक है, इसमें जो है पहले ये मालूम किया साइंटिस्ट ने रिसर्च के जरिए कि मलेरिया कैसे होता है. उन्होंने कहा कि मलेरिया की जो रीजन है जिसे होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है. उन्होंने सेकंड रिसर्च ये स्टार्ट कर दी कि ये प्लाज्मोडियम जो है वो फिर मलेरियल पेशेंट के अंदर दाखिल कैसे होता है. ठीक है, हाउ मलेरिया, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू मैन, यानी आदमी के अंदर ये प्लाज्मोडियम फिर दाखिल कैसे होता है. ठीक है, इस पे रिसर्च स्टार्ट हुई. सबसे पहले तो वो रिसर्च कर चुके थे, कुछ जो रिसर्चर थे उन्होंने पहले ये समझा जाता था कि मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया होता है. उन्होंने मार्शी एरियाज का पानी पिया लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि मार्शी एरियाज के जो लोग हैं उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा है लेकिन मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता. एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ए.एफ.ए.किंग, इसने ऑब्जर्वेशंस की इसके बारे में कि प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ से आता है, कैसे दाखिल होता है आदमी के अंदर. उसने इसके लिए ऑब्जर्वेशंस की, उसकी 20 ऑब्जर्वेशंस थी. लेकिन जो उसकी सबसे फेमस थी या इम्पोर्टेंट थी वो तीन ऑब्जर्वेशंस थी. एक उसने कहा इंडोर, उसको कंपेयर किया आउटडोर से. उसने कहा अगर हम देखें वो लोग जो इनडोर्स होते हैं तो उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं उनकी निस्बत जो आउटडोर्स होते हैं. ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी. सेकंड में उसने कंपेयर किया नेट वाले, यानी वो आदमी जो नेट के नीचे सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं, उनकी निस्बत जो नेट यूज नहीं करते. तीसरा था कि जो स्मोक यानी धुएं के करीब सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम होते हैं. ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी. इसके बाद हाइपोथेसिस बनाया गया. हाइपोथेसिस बनाया गया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर involved in the spread of malaria. ठीक है, कि जो मॉस्किटो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहा है और वही काज बन रहा है स्प्रेड ऑफ मलेरिया का. अब प्रोसेस के बाद क्या बनाई जाती है, डिडक्शंस. तो इन्होंने डिडक्शंस बनाई. डिडक्शंस में दो टर्म यूज की जाती है, इफ और देन. उन्होंने कहा कि मॉस्किटोस, इफ मॉस्किटोस आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट, यानी फिर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए इन द मॉस्किटो. ठीक है, उसने कहा था मॉस्किटो स्प्रेड कर रही है मलेरिया को तो फिर प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटोस के अंदर मौजूद होना चाहिए और ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटोस के अंदर बाइट करने से किसी इफेक्टेड पर्सन को या मलेरियल पेशेंट्स को भी आ सकता है. ठीक है, ये डिटेक्शंस थी. अब डिटेक्शंस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए.
मिशन था, इसने एक्सपेरिमेंट्स किए इस पे कि मॉस्किटो कास बनता है इसका मलेरिया का या नहीं, ठीक है। और इसने भी एक्सपेरिमेंट जब किया तो सबसे पहले इसने एक एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो लिया और इसको बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट्स को, ठीक है। इसके बाद इसने एनोफिलीज मॉस्किटो को किल किया कुछ दिनों के बाद और इसने देखा कि प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। इसके बाद इसने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इसने क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो था इसको बाइट करवाया इन्फेक्टेड स्पैरोस पे, ठीक है। ये इन्फेक्टेड स्पैरोस वो स्पैरोस थी जिनको मलेरिया था। इसके बाद उसने क्या किया कि फिर इस मॉस्किटो को, फिर क्यूलेक्स जो मॉस्किटो था बाइट करवाने के बाद इसको जाके बाइट करवाया इस मॉस्किटो से अब हेल्दी पर्सन्स को, ठीक है। तो इसने देखा कि अब इसको जब कुछ दिनों के बाद इनको भी क्या हो गया, मलेरिया। इसके अलावा इसने मॉस्किटो को किल करके देखा कि उसके जो स्टमक है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था प्लाज्मोडियम और उसके बाद उनके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आता था और बाइट करते थे तो वो फिर नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसफर हो जाता था। नेक्स्ट इसके बाद जो है ये क्यूलेक्स की एक्सपेरिमेंट्स थे और एक्सपेरिमेंट्स जब इतने शदीद किस्म के, खतरनाक किस्म के हों तो कभी भी डायरेक्टली जो है वो अप्लाई नहीं किए जाते ह्यूमन बींग्स पे। तो इसने सबसे पहले स्पैरोस को यूज किया। इसके बाद जो है इसने ह्यूमन्स को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में। इसने ह्यूमन लिया, ठीक है, और इसको जो एनोफिलीज मॉस्किटो था इसे बाइट करवाया और ये जो ह्यूमन था इसको क्या था, मलेरिया था। इसके बाद जो एनोफिलीज मॉस्किटो था इसको बाइट करवाया हेल्दी पर्सन को और इसने देखा भी इसको भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो इस सारे से ये साबित हुआ कि जो मॉस्किटो है वही स्प्रेड करता है मलेरिया को और उसके अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता है उसके स्टमक की वॉल्स के अंदर, फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में चला जाता है जहाँ से भी जब दूसरे को बाइट करता है पर्सन को तो उसको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अल्लाह।